तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्रीकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। इसी क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में बहुत पहले मैंने आपको तानाशाह हिटलर की कहानी सुनाई थी, हिटलर की मौत की कहानी सुनाई थी। आज की जो कहानी है वो हिटलर के एक दोस्त की है, लेकिन इस कहानी में कई चीज़ें उसके दोस्त और हिटलर से मिलती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक इंसान की मौत कैसे दूसरे इंसान को डरा देता है, ये इस कहानी से पता चलता है कि एक की मौत होती है और दूसरा उस मौत को लेकर सदमे में जाता है और उसे लगता है जिस तरीके से उसकी मौत हुई, मौत के बाद उसकी लाश के साथ जो कुछ किया गया है कहीं उसके साथ ना हो, और वो इतना दहशत में आ जाता है कि वो इससे पहले कि उसके दुश्मन उसे मारे खुद अपनी जान ले लेता है। हिटलर की मौत के बारे में ये है कि हिटलर ने खुदकुशी की थी और मरने से पहले उसने ये कहा था, वसीयत की थी और जो उसके तमाम गार्ड्स थे उनसे कहा था कि जब वो मर जाए तो किसी भी कीमत पर उसकी लाश दुश्मनों के हाथ में नहीं होनी चाहिए बल्कि उसको जला देना चाहिए। हालांकि कायदे से जिस धर्म को हिटलर मानता था तो वहाँ पे उसे दफनाने का रिवाज था, लेकिन वो अपनी ही लाश को दफनाने के ख़िलाफ़ था। वो चाहता था कि उसको जला दिया जाए और ताकि कुछ बचे नहीं। अब एक शख्स जो दफन होने की बजाय जलाने की बात कह रहा है, अंदाज़ा लगाइए कि वो कितनी दहशत में है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इतिहासकार हैं, वो ये मानते हैं कि हिटलर ने आखिर ऐसा क्यों किया, ख़ुद को ही उसने क्यों अपनी जान ली और जान लेने के बाद अपनी लाश को उसने जलाया क्यों, जलाने के लिए क्यों कहा। कहते हैं उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि हिटलर का ही एक दोस्त जिसकी मौत हुई और मौत के बाद जिस तरीके से उसकी लाश के साथ जो गुस्सा लोगों ने दिखाया, उस चीज़ ने हिटलर के दिमाग में घर कर लिया। और यही वजह है कि हिटलर नहीं चाहता था कि उसके साथ भी ऐसा हो। वो दोस्त कोई और नहीं था बल्कि एक और तानाशाह था हिटलर के पड़ोसी देश का, इटली का, जिसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। इतिहास में नाम है, अक्सर सुना होगा। दुनिया में जब भी डिक्टेटर और तानाशाहों की गिनती होती है, नाम आता है, तो ये वो नाम है जो सबसे ऊपर होते हैं, फिर चाहे वो हिटलर हो चाहे मुसोलिनी हो। तो आज कहानी हिटलर के दोस्त मुसोलिनी की। मुसोलिनी के बारे में एक ये भी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शायद शुरुआत ही उसने करवाई थी, उसकी एक हरकत की वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो ये जो बेनिटो मुसोलिनी है, इसकी कहानी है क्या? लगभग एक ही वक्त में हिटलर और मुसोलिनी दुनिया के नक्शे पर आए, उनका नाम हुआ। दो दिन के फासले में दोनों की मौत हुई। दोनों को ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है और दोनों में दोस्ती थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों के बीच एक समझौता भी हुआ था। इटली और जर्मनी एक तरफ से लड़ रही थी जबकि फ्रांस और ब्रिटेन और फिर बाद में धीरे धीरे पोलैंड और सोवियत संघ, ये सारी जो देश हैं अमेरिका, ये धीरे धीरे इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदे थे। लेकिन शुरुआत हुई थी इन दोनों देशों की वजह से, एक जर्मनी और एक इटली। इटली जाने का मुझे मौका मिला तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करीब से देखी। जिस मिलान में मुसोलिनी की लाश के साथ जो कुछ लोगों ने किया, वो शहर भी खूबसूरत है, रोम भी खूबसूरत है। तो आज की कहानी मुसोलिनी की। एक लोहार के परिवार में पैदा हुआ, पिता उसके लोहार थे, माँ स्कूल टीचर थी, और मुसोलिनी पढ़ने लिखने में ठीक था। शुरुआत में उसने पढ़ाई की, धीरे धीरे पढ़ाई करने के बाद वो कॉलेज गया। लेकिन उस वक्त इटली में एक कानून था कि जो भी बालिग होगा वो एक बार वहाँ की आर्मी के में काम ज़रूर करेगा। बहुत सारे ऐसे देशों में अनिवार्य है आपको सेना के साथ जुड़ना या काम करना, तो इटली में भी ये था। लेकिन मुसोलिनी जो है वो सेना से बचना चाहता था और इसी बचने के चक्कर में वो इटली से भाग कर स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। स्विट्ज़रलैंड में उसने मज़दूरी की, कुछ वक्त रहा, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद वो वापस इटली लौट आया। इटली लौटने के बाद कुछ वक्त के लिए फिर उसने सेना में काम किया, सेना के साथ जुड़ा, लेकिन फिर सेना को छोड़ दिया और उसने जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की, और पत्रकारिता के ज़रिए वो धीरे धीरे उसका नाम भी होने लगा। उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, जो पहला विश्व युद्ध था, और उस वक्त मुसोलिनी जो था वो वहाँ की एक समाजवादी दल का न्यूज़पेपर था जिसका नाम था अवांती, उसका वो एडिटर बन चुका था और वो लेख लिखता था।
पहले विश्व युद्ध को लेकर उसकी जो राय थी वो ये थी कि इटली को इस पूरे विश्व युद्ध में एक तरह से तटस्थ रहना चाहिए था और ब्रिटेन और फ्रांस की मदद करनी चाहिए थी। उसका यही कहना था कि ब्रिटेन और फ्रांस के सपोर्ट में इटली को प्रथम विश्व युद्ध में उतरना चाहिए और लड़ना चाहिए था। उसकी इस राय से उसकी ही जो जिस ग्रुप का न्यूज़पेपर था उसके लोग खफा थे और फिर बाद में उसको एडिटर से भी हटा दिया गया और वो जर्नलिज्म उसने छोड़ दिया। लेकिन जर्नलिज्म छोड़ने के बाद चूँकि उसकी एक राय अलग थी अब राजनीति को लेकर और वो राष्ट्रवाद के उस वक्त उसने नारे देने शुरू किए। आजकल बहुत सारे देशों में भी ये नारे चल रहे हैं और राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसके साथ बहुत तेज़ी से लोग जुड़ते हैं, तो राष्ट्रवाद का नारा देना शुरू किया मुसोलिनी ने। और फिर 1919 में 23 मार्च को उसने एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाया जिसका नाम था फासी दी कंबाती मेंती। तो कायदे से ये फांसीवादी सोच की पार्टी थी और राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रवाद ये उसका मुद्दा था। लोगों को इस पार्टी और इसकी सोच बड़ी अच्छी लगी, लेकिन शुरुआत में उसने अपनी इस पार्टी में सिर्फ उन्हीं लोगों को जोड़ा जो उसकी इस राय से सहमत थे और उसके साथ चलने को तैयार थे। और इनमें एक बड़ी तादाद थी इटली के एक्स आर्मी की, पूर्व सैनिकों की, जो बेरोज़गार हो गए थे और सरकार की उससे कई पॉलिसी से नाखुश थे, खफा थे। तो जो मुसोलिनी की राय से सहमत थे उसकी पार्टी और विचारधारा को लेकर, उसने उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना शुरू किया। धीरे धीरे पार्टी में लोग जुड़ते गए, सैनिकों की एक बड़ी तादाद आ गई। शायद कहीं आगे चलकर ये जो सैनिक उसकी पार्टी में ज़्यादा जुड़े थे, मुसोलिनी के तानाशाह बनने में भी इसकी एक वजह कहीं ना कहीं थी। अब पार्टी बन चुकी थी, काफ़ी अच्छे खासे लोग उसके साथ जुड़ गए थे। 1919 में ये पार्टी बना, 1919 में 3 साल करीब गुजर गए। इन 3 सालों में उसने बहुत सारे ऐसे विरोध प्रदर्शन, अपनी जो उसकी सोच थी वो लोगों तक पहुँचाया। और फिर आखिरकार 3 साल के बाद 30 अक्टूबर 1922 मुसोलिनी और उसके समर्थक पार्टी के करीब 30,000 लोग थे ये, और इन 30,000 लोगों ने रोम पर धावा बोल दिया। रोम पर धावा बोलने के बाद ये उस वक्त के मुख्यमंत्री जो थे मिस्टर लुइगी, उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। इटली में बेरोज़गारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, बेरोज़गारी बढ़ गई थी, इसके अलावा भ्रष्टाचार बढ़ गया था, लोगों के पास नौकरी नहीं थी। तो इन चीज़ों का बड़ा गुस्सा था और इन गुस्से का फ़ायदा उठाया मुसोलिनी ने। 1922 में उसने रोम पर धावा बोला और रोम को पूरी तरह से घेर लिया और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे। जब मांग करने लगे तो इसके बाद ऐसी सूरत में अब यह था कि आर्मी मदद करे सरकार की, लेकिन लुइगी फेटा जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे उनके आर्मी ने मदद नहीं की और ना ही मार्शल ला लगाया। अब यह हुआ कि लोगों का गुस्सा तेज़ हो गया था। आखिरकार इटली के राजा को बीच में कूदना पड़ा और उन्होंने लुइगी फेटा जो प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफ़ा देने के लिए कहा। लुइगी फेटा ने इस्तीफ़ा दे दिया और इसके बाद मुसोलिनी को बुलाया गया और कहा कि आइए अब आप इटली के प्रधानमंत्री बनिए और इसकी सरकार को आप लीड कीजिए। 1922 में मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बने, इटली के इतिहास में सबसे कम उम्र प्रधानमंत्री। जब मुसोलिनी प्रधानमंत्री बने वहाँ पे तब उम्र थी 40 साल। शुरुआत में मुसोलिनी ने जो सपने दिखाए थे वो लोगों को उस पर काम भी किया करीब अगले 3-4 साल तक, और 3-4 साल तक इटली की अर्थव्यवस्था, बेरोज़गारी, इन मुद्दों की तरफ ध्यान दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे मुसोलिनी निरंकुश होते गए और अब उसे लगा कि इटली पे राज करना है तो लंबे वक्त तक करना है। फिर उसने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि उसको सत्ता से कोई हटा ही नहीं सकता। इस दौरान में जो भी विरोध की आवाज़ उठती उस आवाज़ को दबा दिया जाता, अपने विरोधियों को मारने का सिलसिला शुरू कर दिया। 1922 से 1943 21 साल तक 21 ईयर्स मुसोलिनी ने इटली पर राज किया। और इस दौरान में कहते हैं अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर को भी मिला दें और अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का, मुसोलिनी के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने करीब 60 लाख लोगों की
जान ली एक डिक्टेटर के तौर पर। ये एक बड़ी तादाद है इंसान की इस तरीके से जान लेना। तो मुसोलिनी का कहर बढ़ता गया इस दौरान में। इधर जर्मनी में हिटलर मुसोलिनी के बाद पैदा हुआ, मतलब राजनीतिक तौर पर। अब हिटलर की भी उधर हुकूमत थी। हिटलर और मुसोलिनी की कई चीज़ें एक साथ थी। दोनों दुश्मनों को बख्शते नहीं थे, बड़े पैमाने पर मारते थे, कत्लेआम करते थे, साजिश जहाँ पर भी होती उसे कुचल देते थे। इन दोनों की मुलाकात भी हुई, दोस्ती भी हुई। हालाँकि जिस तरीके से हिटलर दुनिया के नक्शे पर उभरा और हिटलर का नाम हुआ, कहते हैं कि मुसोलिनी उसको लेके थोड़ा नाराज़ भी था। वो मानता था कि हिटलर हमारा जूनियर है, लेकिन हिटलर को मुझसे ज़्यादा लोग जानते हैं, जबकि मैं पहले से हूँ, मैं भी तानाशाह हूँ, लेकिन मुझे उतना नाम और पहचान नहीं मिली जो हिटलर को मिलती थी। कहते हैं इस बात की ख्वाहिश मुसोलिनी को हमेशा रही। सब कुछ चल रहा था, दमन भी चल रहा था, सब कुछ मुसोलिनी इटली पर राज कर रहा था। लेकिन 1943 में जब 21 साल हो गए इटली पर राज करते हुए, तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और मुसोलिनी ने एक देश पे हमला किया था। और कहते हैं कि वहाँ से सुगबुगाहट शुरू हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, क्योंकि कई देश इस हमले के लिए मुसोलिनी को ज़िम्मेदार मानकर उसके ख़िलाफ़ हो गए थे। उधर हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और पोलैंड पर हमले को लेकर उधर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ये सब धीरे धीरे एक साथ हो गए जर्मनी के ख़िलाफ़, यानी हिटलर के ख़िलाफ़। ऐसे वक्त में हिटलर और मुसोलिनी ने एक समझौता किया और हिटलर और मुसोलिनी ने कहा कि वो दोनों मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लड़ेंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में एक तरह से पहले दो गुट बना, एक इटली और जर्मनी, यानी कि हिटलर और मुसोलिनी एक साथ आ गए, दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन, ये लोग एक साथ आ गए, फिर बाद में बाकी देश कूदे। शुरुआत में हिटलर को जीत मिली, लेकिन फिर धीरे धीरे हिटलर की ताकत कमज़ोर होती गई, हिटलर जगह जगह हारता गया। और इस हारने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग ख़त्म होने के कगार पर था। इस दौरान में चूँकि जब हिटलर की हार हुई, इधर मुसोलिनी की भी हार हुई, अब इटली में मुसोलिनी के ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया और बेरोज़गारी बढ़ गई, जंग की वजह से खर्चे बहुत हुए और लोगों को लगा कि मुसोलिनी की रणनीति थी ठीक नहीं थी, हिटलर के साथ मिलने के भी लोग ख़िलाफ़ थे। ऐसी सूरत में जब इटली के अंदर आवाज़ जो 1922 में मुसोलिनी ने लुइगी फेटा के ख़िलाफ़ उठाकर उनको प्रधानमंत्री से हटाया था, अब सेम सिचुएशन में मुसोलिनी, तो आखिरकार 25 जुलाई 1943 को मुसोलिनी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त लोगों के गुस्से को देखते हुए वहाँ के राजा ने मुसोलिनी को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। न सिर्फ प्रधानमंत्री पद से हटाया बल्कि उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। लेकिन सिर्फ दो महीने के बाद ही, ये जुलाई में गिरफ्तार हुआ और प्रधानमंत्री पद से हटा, सितंबर में हिटलर की मदद से मुसोलिनी को छुड़वा लिया गया। न सिर्फ छुड़वाया गया बल्कि नॉर्थ इटली के एक छोटे से इलाके को मुसोलिनी को दे दिया गया राज करने के लिए और मुसोलिनी उस जगह पर राज करने लगा जेल से बाहर आकर। लेकिन इस दौरान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने होते होते हिटलर की हार लगभग तय हो गई थी और मुसोलिनी वैसे ही हट चुका था, कमज़ोर पड़ चुका था। अप्रैल 1945 में सोवियत सेना ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर बर्लिन पर कब्ज़ा कर लिया था और जब बर्लिन पर कब्ज़ा किया तो हिटलर को वहाँ से भागना पड़ा। जो हिटलर की सेना थी उन्होंने हथियार डाल दिए, ये खबर मुसोलिनी को मिली। अब मुसोलिनी हिटलर और जर्मन सेना के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंडेंट था, क्योंकि यहाँ उसकी तख्ता सरकार जा चुकी थी, गिरफ़्तार हुआ था, अब एक छोटे से जगह पर वो हुकूमत कर रहा था। लेकिन उसे मालूम था कि जो बाकी फ़ौजें हैं, चाहे सोवियत संघ की हों या फिर फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी और उसे गिरफ्तार करेंगी। तो यहीं पे अप्रैल 1945 में जब सोवियत संघ और पोलैंड की सेनाओं ने बर्लिन पर कब्ज़ा किया और जर्मन सेना ने जब हथियार डाल दिए, तब मुसोलिनी को ये लगा कि अब इटली में रहना ठीक नहीं है, इटली छोड़कर अब वो भागता है। 29 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी, बल्कि 27 और 28 अप्रैल की बात थी, अपने 16 खास लोगों के साथ और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी क्लारेटा, तो क्लारेटा और 16 खास लोगों के साथ
मुसोलिनी दो ट्रक में इटली से भागता है स्विट्ज़रलैंड की तरफ, ताकि विद्रोही सेनाओं या फिर पोलैंड और सोवियत सेनाओं के हाथ न लगे। तो वो ट्रक में भागता है, रास्ते में कहीं पे चेकिंग होती है, जब चेकिंग होती है तो वहाँ पे ट्रक को रोका जाता है, कुछ लोग आते हैं, उनमें से एक जो विद्रोही गुट का नेता था, जो फौजी था, वो मुसोलिनी को पहचान लेता है। हालांकि मुसोलिनी ने उस वक्त एक हेलमेट पहना हुआ था अपने आप को बचाने के लिए, हेलमेट उल्टा था, गॉगल्स लगाए हुआ था, एक बड़ा सा कोट पहने हुआ था। तो पहले उन्होंने ये कहा कि जो चेकिंग हो रही थी कि ये सब इटली के वो लोग हैं, शरणार्थी हैं, वापस जा रहे हैं। लेकिन फिर जब तलाशी हुई तो एक शख्स ने, उसमें से एक फ़ौजी ने मुसोलिनी को पहचान लिया। उसने 3 बार आवाज़ दी लेकिन मुसोलिनी जानबूझकर पलटा नहीं और ना उसकी आवाज़ पर ध्यान दिया। लेकिन फिर आखिरकार वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, कॉमरेड आपको पहचान लिया। इसके बाद पूरी विद्रोही गुट में ये बात फैल जाती है कि एक ट्रक में मुसोलिनी है। अब विद्रोही गुट के हाथ मुसोलिनी लग चुका था। मुसोलिनी को पकड़ने के बाद एक वहाँ पे झील है, उस झील के पास ले जाया जाता है, कोमो झील। और कोमो झील के पास ले जाने के बाद मुसोलिनी और उसके 18 साथियों को गोली मार दी जाती है। 29 अप्रैल 1945 की सुबह ये गोली मारी गई थी, 28 अप्रैल की रात को, 29 अप्रैल की सुबह सुबह ट्रक में इन लाशों को रखने के बाद सभी को मिलान लाया जाता है और मिलान के लोरेटा चौक पर इनकी लाशों को फेंक दिया जाता है। ये लोरेटा चौक वही था जहां 8 महीने पहले मुसोलिनी ने अपने 15 विद्रोहियों को गोली मारी थी। तो मुसोलिनी की मौत के बाद इस लोरेटो चौक पर मुसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड क्लारेटा और बाकी 16 और लोग, टोटल 18, इनकी लाशों को इस चौक पर लाकर डाल दिया जाता है। और इसके बाद कहानी शुरू होती है। जैसे ही थोड़ी देर के बाद मिलान में यह खबर फैलती है कि मुसोलिनी मारा गया और उसकी लाश इस चौराहे पर है, कुछ ही देर के अंदर करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इस चौक पर पहुंच जाती है। चौक पर पहुंचने के बाद जब वो मुसोलिनी की लाश को देखते हैं, उन्हें यकीन हो जाता है, फिर उनका गुस्सा उस लाश पर टूटता है। कहते हैं एक महिला सबसे पहले आती है और मुसोलिनी की लाश को देखकर उसके सर पर 5 गोली मारती है और फिर कहती है कि ये मेरे बदला है मेरे 5 बच्चों की मौत का। उसके 5 बच्चे मुसोलिनी की सेना के हाथों मारे गए थे विद्रोह के इल्ज़ाम में। तो वो महिला 5 गोली मारती है मुसोलिनी के सर पर। उसके बाद एक दूसरी महिला आती है, वो मुसोलिनी की लाश पर पेशाब करती है। तीसरी महिला आती है, वो अपने हाथ में एक चाबुक लेकर आई थी, वो मुसोलिनी की लाश को बेइंतहा चाबुक से पीटती रहती है। इसके बाद एक और शख्स आता है, वो एक मरा हुआ चूहा मुसोलिनी के मुंह में डालता है और कहता है कि अब भाषण दो। इसके बाद लोगों की भीड़ बेकाबू होती है, जो जिसको जैसे मौका मिलता है वो उसी तरीके से मारता रहता है। तो सुबह करीब 4 बजे मुसोलिनी की लाश इस चौक पर लाई गई थी उसके 18 साथियों के साथ, और 4 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक हज़ारों लोग उस जगह पर थे और जितना जिसको मन कर रहा था मुसोलिनी की लाश के साथ वो वैसी हरकत कर रहा था। दोपहर करीब 1 बजे हालत ये थी, मुसोलिनी को जो गोली मारी गई थी उसमें एक गोली उसके सर पर लगी थी, भेजा भी थोड़ा सा बाहर था, और उसकी गर्लफ्रेंड क्लारेटा के शरीर में 5 गोलियां मारी गई थी। क्लारेटा के साथ भी लोगों ने उसकी लाश के साथ भी उसी तरीके का सलूक किया। उसके बाद फिर भीड़ में मौजूद लोगों ने इन दोनों की लाश को टांग दिया वहाँ पर उल्टा करके, और दोपहर 1 बजे तक ये सब कुछ ये तमाशा चलता रहा। 1 बजे बड़ी मुश्किल से वहाँ पर अमेरिकी सैनिक पहुँचते हैं, अमेरिकी सेना के लोग पहुँचते हैं, और तब कहीं जाकर वो भीड़ को हटाते हैं। लेकिन इससे पहले जब मुसोलिनी की लाश के साथ ये सब कुछ हो रहा था, तब भी मुसोलिनी की पार्टी का एक जवान अपनी जान जोखिम में डालकर इस भीड़ में भी, जब मुसोलिनी की लाश के साथ बेहुरमती हो रही थी, वो उसकी लाश को सैल्यूट कर देता है। जैसे ही वो सैल्यूट करता है लोग उसको देखते हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये मुसोलिनी का ही सैनिक है। इसके बाद उसी भीड़ में से कुछ लोग उसकी पीठ पर गोली मार देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। 1 बजे के करीब अमेरिकी सैनिक बड़ी मुश्किल से इन लाशों को अपने कब्ज़े में लेते हैं, ख़ासतौर पर मुसोलिनी और क्लारेटा की,
और उसके बाद उसे एक लकड़ी के संदूक में रखते हैं और फिर उसको ले जाकर मुर्दा घर में रखते हैं। मुर्दा घर में ले जाने के बाद लाश का पोस्टमार्टम होता है। कहते हैं मुसोलिनी के भेजा का एक टुकड़ा अमेरिकी लैब के लिए भेज दिया गया था। जो पोस्टमार्टम होता है उसमें मुसोलिनी की मौत की वजह बताई जाती है, एक गोली जो उसके सीधे दिल में लगी थी। पोस्टमार्टम होने के बाद मुसोलिनी की लाश को मिलान के ही मुसोको कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया जाता है। मुसोलिनी की कब्र का नंबर है इस मिलान के कब्रिस्तान में 384। उसके अलावा क्लेरेटा की भी जो लाश थी वो बाद में कोल्फोस्को के नाम से, रीटा कोल्फोस्को के नाम से दफनाया गया। तो दोनों की लाश को फिर जो पूरा है उसकी एक रस्म और रिवाज रीति है उस हिसाब से दफना दिया जाता है। अब यहाँ पे मुसोलिनी की कहानी ख़त्म होती है। 29 अप्रैल की सुबह जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त हिटलर जो था वो एक बंकर में छुपा हुआ था, क्योंकि जर्मन सेना ने हथियार डाल दिए थे, बर्लिन पर कब्जा हो चुका था। और कहते हैं कि उसी दिन सुबह हिटलर को मुसोलिनी की मौत की खबर मिली और उस खबर के साथ उसकी लाश के साथ जो कुछ हुआ सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, यानी करीब 9 घंटे तक उसने हिटलर को दहला दिया। हिटलर को पूरी जानकारी मिली मुसोलिनी की मौत की और उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ। इसी के बाद उसी दिन हिटलर ने अपने गार्ड से ये कहा कि उसकी मौत के बाद उसकी लाश को जला देना आनन फानन में, और उसकी लाश किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। कहते हैं कि मुसोलिनी के साथ जो कुछ हुआ 9 घंटों तक उसकी आखिरी मौत के बाद, उस चीज़ ने हिटलर को दहला दिया था। उसे लगा था कि मुसोलिनी से ज़्यादा नफरत करने वाले लोग उससे नफरत करते हैं, तो फिर उसके साथ क्या करेंगे, उसकी लाश के साथ क्या करेंगे। इसलिए नहीं चाहता था कि मौत के बाद भी उसकी लाश किसी के हाथ लगे, और यही वजह है कि हिटलर की मौत के बाद उसकी लाश को जला दी गई थी। इससे पहले मुसोलिनी ने भी अपने सैनिकों से एक लाइन कही थी। उसने कहा था कि अगर जंग के दौरान कभी ये लगे कि मैं भाग रहा हूँ डर कर, तो सबसे पहले तुम लोग मुझे गोली मार देना। तो हिटलर के अपने गार्ड ने तो उसे गोली नहीं मारी, विरोधी गुट उसके दुश्मनों ने ज़रूर गोली मारी, लेकिन उसके बाद एक तानाशाह की लाश के साथ जो कुछ हुआ वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो ये थी कहानी मुसोलिनी और उसकी मौत की। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।